बुंदेलखंड अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन समय के साथ ये विरासत कहीं खो रही थी। पर अब इसे सहेजने का काम किया है झांसी के डॉक्टर मधुसूदन व्यास ने। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। पेशे से डॉक्टरी करने वाले मधुसूदन व्यास को उनके घर के ही एक पुराने बक्से में तमाम पांडुलिपियां मिली और उसके बाद उन्होंने इसे संग्रहित करने का फैसला लिया। हमारे घर में एक बहुत पुराने बक्से में ये सारी पुस्तकें रखी हुई थी। एक समय ऐसा आया जब मेरी माता जी ने सोचा कि इनको पानी में प्रवाहित कर दें, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मैं देख लूँ, इसमें यदि कुछ काम की चीज़ होती है तो ठीक है, वरना आप पानी में प्रवाहित कर दीजिए। तो मैंने जब इनको खोल के देखा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ और मेरे मन में एक लालसा हुई है जानने की कि इन पांडुलिपियों में ये क्या चीज़ है। तो मैंने खोल के देखा, इसमें कई तरह के वेद मंत्र, कई सारी चीज़ें जो भगवद्गीता और दुर्गा सप्तशती इत्यादि हैं। तो फिर मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उनको ले आया, मैंने उनको फिर इस तरह से उनका संरक्षण शुरू किया। इन पांडुलिपियों का मधुसूदन व्यास के घर में पाया जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज झांसी राजघराने की सेवा करते थे। जो पुरानी अभी मेरे घर में और भी पुस्तकें हैं, अभी तक जो मैं देख पाया हूँ उसमें एक सबसे पुरानी पांडुलिपि है, वो 368 वर्ष पुरानी है और वो उसकी लिखावट इतनी अच्छी है। राज्याभिषेक का पर्चा है जो मैंने आपसे बताया, और भी कई तरह की जो वेद मंत्र हैं। तो ये सिर्फ अंगरक्षक का काम नहीं है, ये राजपुरोहितों का कार्य है। तो मुझे तब ये एहसास हुआ, तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि हमारे पूर्वज झांसी के राजदरबार में राजपुरोहित थे और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। जितनी खास ये पांडुलिपियाँ हैं, उतने ही खास तरीके और प्यार से डॉक्टर मधुसूदन व्यास इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखते हैं और कोई भी पत्र इधर उधर ना हो जाए इसका वो पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। संग्रहित करना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है कि इनका जो उनका कागज़ है वो बहुत बहुत पुराना हो चुका है। बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिसमें जो कि यदि हम उनको ज़्यादा यदि उनको ज़ोर से इधर उधर रखेंगे तो हो सकता है कि वो बिखर जाए, वो टूट जाए। तो मैं इनको ऐसे इन पत्रों को एक एक पत्र निकालता हूँ, उनको ये पॉलीथीन के जो कवर हैं इनमें रख के और इनमें सहेज के उनको एक जो ये मशीन आती है जिससे कि मैं उसको प्रेस कर देता हूँ, और जिससे कि अब ये पत्र कम से कम हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उनको एक शोध के लिए कार्य मिल जाए और इसको कम से कम वो ये जान सकें कि हमारी जो पूर्वज थे, हमारी संस्कृति थी वो कैसी थी। मधुसूदन व्यास इस बात को भी कबूल करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इन पांडुलिपियों को संग्रहित करेंगी, नहीं पता, और उन्हें विश्वास है कि वो इसको ठीक रूप देकर जाएंगे, कि आज की आगे की जनरेशन शायद उसको उतना ध्यान ना दे पाए, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जो हमारी जो जनरेशन है या इवन हमारे और भी लोग हैं जिसमें जो उनका यदि इंटरेस्ट है तो मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को देखें और जिस चीज़ को की अलख मैंने जगाई है उसको और उसको जागृत करें, उसको और ऊंचाइयों पे ले जाएं, हमारी संस्कृति को और जीवित करें, ऐसी मेरा प्रयास है। झांसी की ऐसी ही विरासत और इतिहास से अनकही कहानियाँ आप तक लेके आएंगे। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।